वेलकम है गाइस, आप सबका एक और वीडियो में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखी थी, मैं हडर्सफील्ड आया हुआ था, तो मैंने आपको सिटी का टूर करवाया। तो उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बोला था, यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे और आप पूरा आपको यूनिवर्सिटी अंदर से दिखाऊंगा और स्टूडेंट से ही मिलवाना है। तो अभी हम बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी के इधर पास में, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है और इन्होंने बताया हुआ है कि रिसेप्शन कहाँ पर है, वेस्टर्न बिल्डिंग कहाँ पर है और ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। तो फाइनली मेरे साथ अभी एक स्टूडेंट है, तो ये रही मेरे साथ, तो आरती, आरती इसका नेम है। तो आरती जी, आप कहाँ से? Actually, I belongs from Pakistan, और बिल्कुल नेबरिंग कंट्री ही है इंडिया का। ठीक है। और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड की स्टूडेंट हूँ और जनवरी 2020 इंटेक है मेरा, और मेरा कोर्स का नाम है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है। एंड अगर किसी का कोई शौक है इंडिया से यहाँ या पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री से आने का, तो मोस्ट वेलकम। हडर्सफील्ड एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। हम बैठ के बात करेंगे, धूप बहुत तेज है यहाँ पर। बहुत तेज है। हाँ, क्योंकि वेदर आपको पता है, अभी यहाँ पर ऐसी दिन के टाइम गर्मी हो जाती है। तो खैर, पहले हम अंदर से यूनिवर्सिटी देखते हैं। तो आरती भी बहुत एक्साइटेड है, आपको बताना चाहती है यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप देख ही रहे थे कितनी ज़्यादा खुश है और एक्साइट है। तो यूनिवर्सिटी अच्छी है, बस लॉकडाउन था। तो अभी किधर जा रहे हैं हम इस वक्त? हम एक्चुअली अभी, सबसे पहले मैं आपको आई पॉइंट के बारे में दिखाऊंगी कि जहाँ से हम स्टूडेंट आईडी कलेक्ट करते हैं, एक आई पॉइंट है। ठीक है। वहाँ से हम किस तरीके से वीज़ा वगैरह के बाद, हम सबसे पहले क्वारंटाइन ख़त्म करने के बाद स्टूडेंट आईडी कलेक्ट करते हैं, बीआरपी, कुछ कंडीशंस होती हैं बीआरपी कलेक्ट करना। ठीक है। तो वो सारा, और जैसा कि आप, हरमीत ने आपको बताया होगा कि टाउन सेंटर में ही हमारे एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ से हम बीआरपी कलेक्ट करते हैं। ठीक है। और फिर बीआरपी कलेक्ट करने के बाद हम फिर स्टूडेंट आईडी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करनी पड़ती है, वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो स्टूडेंट सेंट्रल के क्या है सामने? स्टूडेंट सेंट्रल में ही आई पॉइंट बना हुआ है, तो वहीं से ही हम आईडी कलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो बीआरपी उधर से नहीं मिलता है ना? बीआरपी पोस्ट ऑफिस से मिलता है। नहीं, हमारे तो उधर यूनिवर्सिटी में ही मिल गया था ना। अगर आप यहाँ का एड्रेस देते हो ना, अगर जहाँ से इंडिया पाकिस्तान से आपने अप्लाई करना है, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आपको जो बीआरपी है कहाँ से आपने कलेक्ट करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस देते हो तो वो भी गाइज आपको इधर इंटरनेशनल ऑफिस होता है, हर एक यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। तो ये अकोमोडेशन तो नहीं है, ये जो सामने बिल्डिंग बनी हुई है यूनिवर्सिटी? इंजीनियरिंग की अलग स्कूल है, बिजनेस स्कूल अलग है, आर्ट्स कॉमर्स ऑनर्स का अलग अलग स्कूल है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी में एक्चुअली सेक्शंस बनाए हैं। ठीक है। तो हर स्कूल डिफरेंट डिफरेंट है और हर स्कूल का एक अलग अलग रोल है। ठीक है। अच्छी बात यूनिवर्सिटी के बारे में ये है कि सारा मिक्स नहीं है, हर स्कूल की, हर स्टडीज़ की एक अलग अलग उन्होंने बिल्डिंग। हाँ, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है। हमारे उधर भी बिल्कुल, एस्टन यूनिवर्सिटी भी ऐसी है जो आप लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, तो बूस्टर भी ऐसी है। एक्चुअली हाँ, यहाँ पर अभी स्टूडेंट नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पर अभी स्टूडेंट कोई भी नहीं आपको दिख रहा होगा, तो वो वीकेंड है इसका रीज़न। नहीं तो अगर कोई और दिन होता, देखो मेरे को भी टाइम नहीं था, वीकेंड में फ्री था इस टाइम, तो मैं आ गया। तो अभी हम बैठ के इससे बातें करते हैं। एक्चुअली अभी कैंपस क्लोज था तो हम अंदर नहीं जा पाए, तो इसके साथ मैं अभी बाहर बैठा हूँ। तो आरती, आपने ऑलरेडी बताया ना, पाकिस्तान से है ना? तो पाकिस्तान में कहाँ से? मैं पाकिस्तान में कराची से बिलोंग करती हूँ, और मैं जो है जनवरी इंटेक था, मैंने बताया जैसे कि, और लेकिन मैं रीच यहाँ पे हुई थी, मैं 5th मार्च को आई हूँ दिस ईयर। हाँ, दिस ईयर। तो ये भी बढ़िया, आपके वहाँ पे भी रेड लिस्ट में डाला था बाद में, जैसे इंडिया को रेड लिस्ट में डाला हुआ अभी? हाँ, वो बाद में, जब मैं, मेरे यहाँ आने के बाद ये हुआ था कि वो 1 से 1.5 महीने के बाद पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया था, फिर फॉरन ही 10-15 दिन के बाद फिर इंडिया का भी नाम आ गया रेड लिस्ट में। तो ये आई थिंक ये भी अच्छे टाइम पे आ गई थी। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था जब आप यूके में एंटर हुए? क्योंकि हर एक को क्रेज होता है ना। बहुत एक्साइटमेंट थी, और सबसे पहले मैं जैसे ही आई था, मैं मैनचेस्टर में रुकी हुई थी, तो ऐसा था कि मैनचेस्टर में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, मैंने वहाँ पे भी जॉब किया, और फिर मैं हडर्सफील्ड आई। हडर्सफील्ड में इसकी यूनिवर्सिटी हडर्सफील्ड में थी। हाँ, तो फिर मैं हडर्सफील्ड मूव, मैनचेस्टर आप जॉब के लिए गए थे? हाँ, मैनचेस्टर में मैंने जॉब के लिए किया, वहाँ पे। तो वहाँ आपको जॉब मिल गई थी एट अ टाइम, इजीली विद इन जस्ट लाइक 1 month में ही मुझे जॉब मिल गई थी। तो मैनचेस्टर में भी जॉब मिल जाती है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी हडर्सफील्ड का भी पूछेंगे, तो हडर्सफील्ड में आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? अभी हडर्सफील्ड में मुझे मूव हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, तो मैं जो है यहाँ पे करंटली जॉब कर रही हूँ। रिसेंटली मेरे मूव होते ही मुझे जॉब मिल गई थी मैनचेस्टर से हडर्सफील्ड। जॉब का देखो क्लियर हो गया, जॉब मिल जाती है अगर आप एफर्ट करते हो, तो जॉब यहाँ पर भी मिल जाती है। वूस्टर में मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा टाउन है, तो ये भी एक छोटा सा, आप वूस्टर से कंपेयर कर सकते हो, ये भी एक छोटा सा टाउन है।
तो जॉब इसको मिल गई थी तो बढ़िया है, वहाँ पे भी इसने काम किया, मैनचेस्टर में भी जॉब एजेंसीज तो यहाँ पे भी होंगी है ना। हाँ, जॉब एजेंसीज हैं। तो आप यहाँ पर रेस्टोरेंट काफी हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, टेकअवेज में देख सकते हो, सर्विस स्टेशन होते हैं, पेट्रोल स्टेशन, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। तो आपका जो कोर्स है उसकी फीस वगैरह कितनी थी? मेरे कोर्स की जो टोटल फीस थी स्कॉलरशिप वगैरह मिलाने के बाद जो था आफ्टर डिडक्शन, मुझे 13,000 तक की मेरी है, और जो है फीस के मामले में काफ़ी यूनिवर्सिटी अच्छा है, चीप है। स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप वगैरह भी मुझे मिली थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और यूनिवर्सिटीज में भी काफ़ी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं करंटली। तो ये है कि मुझे यहाँ हडर्सफील्ड मूव होते ही मुझे डायरेक्टली जॉब की ऑफर आई तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आपको मैनचेस्टर बढ़िया लगा, हडर्सफील्ड बढ़िया लगा? हडर्सफील्ड बहुत अच्छा, एक प्रिटी टाउन है। मैनचेस्टर में थोड़ा सिटी लाइफ वाली फीलिंग आती है। सही है, ये जैसे मेरे को फीलिंग होता है ना, वो ऐसे ही इसका भी है, क्योंकि मेरे को भी ना बड़ी सिटी अच्छी नहीं लगती। तो मैनचेस्टर, कोवेंट्री, बर्मिंगम, लंदन, ये सब बड़ी सिटीज़ हैं, तो मुझे भी छोटी सिटी, जो छोटे टाउन होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। काफ़ी पीसफुल होता है, ग्रीनरी बहुत होती है, मतलब शांति वाला सब कुछ पास में ही है। जैसे अब इसकी अकोमोडेशन है, इसकी जॉब बिल्कुल पास में है, 10 से 15 मिनट की वॉक पे है, तो ग्रॉसरी स्टोर सभी पास में, आपको मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है जो टाउन सेंटर। तो फिर जो आपकी अकोमोडेशन है वहाँ पे, रेंट वगैरह कितना? मेरी अकोमोडेशन है ऑल टुगेदर 250 मैं पे करती हूँ, उसमें सारे बिल्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। और हडर्सफील्ड वैसे भी छोटा सा टाउन है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है ग्रॉसरी वगैरह के हिसाब से भी। देखा, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जैसे आप नॉर्थ जाते हो तो वहाँ पे अकोमोडेशन और चीप हो जाएगी, तो अपने वेस्ट मिडलैंड में जितनी अकोमोडेशन है, वूस्टर और बर्मिंगम कंट्री, अराउंड 320-350 के आसपास आपको रूम मिलता है। पर आप इधर जाते हो ना मैनचेस्टर वाली साइड, मैनचेस्टर में भी यही थी ना अकोमोडेशन? शेयर्ड अकोमोडेशन तो मैनचेस्टर में थोड़ी एक्सपेंसिव है, जब आप शेयर्ड में आते हो तो वो ये होता है कि डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो इन्होंने रेंट बताया 250 है, अगर आप स्कॉटलैंड ग्लासगो वहाँ स्टडी करते हो तो वहाँ पे भी मैंने सुना है कि जो एवरेज रेंट है इतना ही है, 250 तक आपको मिल। मैं आपको जो बता रही हूँ ये सिंगल रूम अकोमोडेशन है, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करती हूँ, इट्स लाइक ऑल प्राइवेट रूम है मेरा अपना। और काफ़ी ईजी रहता है प्राइवेट रूम को करना, और बाकी आप शेयरिंग करते हो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है। मुझे ऐसा लगा था कि ये छोटा सा टाउन है, यहाँ पर अपनी कम्युनिटी नहीं होगी, पर मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर अपने पंजाबी अंकल मिले हैं, वो पाकिस्तान से थे बेसिकली, तो उनको भी मैंने लास्ट वीडियो में लिया, थोड़ा सा वो बातें कर रहे थे मेरे साथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर एशियन कम्युनिटी है, काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी हेल्पफुल है, तो उनका तो दिल था कि हमें घर तक भी छोड़ देते, वो जैसे बात कर रहे ड्राइविंग। अच्छा, पास में तो इन्होंने नहीं बताया आपको, यहाँ ब्रेडफोर्ड भी बहुत करीब है, तो ब्रेडफोर्ड को ब्रेडिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जाना जाता है, तो ब्रेडफोर्ड में काफ़ी एशियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी फैमिलीज हैं वहाँ पर, तो ब्रेडफोर्ड भी करीब में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बाय कार जो है मुश्किल से हाफ एन आवर लगता है, तो वो ब्रेडफोर्ड एक काफ़ी अच्छा है खाने वगैरह के हिसाब से, जो खाने पीने वाले बंदे हैं। जैसे समझ गया मैं, जैसे यार आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, मैं वूस्टर में रहता हूँ, बर्मिंगम जाना है, तो बस वही है, ऐसे ही ब्रेडफोर्ड का भी। आरती ने ऑलरेडी आपको ओवरव्यू दे दिया यूनिवर्सिटी का, सिटी का आपको पता लग गया होगा, इसने जॉब का भी बता दिया, कोर्स का आपने बता दिया, तो आप रेकमेंड करते हो अगर किसी स्टूडेंट ने आना है यहाँ पर पढ़ने के लिए ना, अगर निकलने का शौक है, बहुत स्टूडेंट्स को ग्रेज होता है, तो इट्स लाइक मोस्ट वेलकम। काफ़ी वैसे जो वैसे यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया जाए तो हर यूनिवर्सिटी यूके की अच्छी है, इस तरीके से नहीं है कि यूनिवर्सिटी वगैरह का। हाँ, जब हाँ अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर आना होगा ना, जैसे अब सेप्टेम्बर इनटेक आ रहा है, तो मुझे मैसेज करना, तो ये तो यहाँ पर ही है, तो मैं ट्राई करूँगा ना, तो आप जो हडर्सफील्ड में आना चाहते हैं तो ये भी कोशिश करेगी अकोमोडेशन वगैरह में हेल्प हो जाए। बाकी और कुछ मुझे नहीं लगता कुछ इम्पोर्टेंट बात और रहती है, बाकी अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो एक्चुअली इसने थोड़ी देर में अभी जॉब के लिए जाना है, तो ये वीकेंड पे काम करती है, बाकी टाइम स्टडी, अभी क्लासेस हैं जो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी ना, अभी शुरू हो जाएंगी क्लासेस, शुरू हो गई हैं क्लासेस, ये अच्छी खबर है। तो अभी हम किस साइड जा रहे हैं, बाहर की ओर? अभी तो हम टाउन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, यही रास्ता है ना, यही वाला। हाँ हाँ, और मैं बताऊंगी, मेरे पास तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक जॉब की ऑफर आई है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि अब यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने फिर वो जॉब छोड़ देनी है, मैं जो करंटली अभी जॉब कर रही हूँ, क्योंकि ठीक है हाँ, वो रेस्टोरेंट में। हाँ, फिर मैं तो करंटली अभी जो जॉब कर रही हूँ मैंने छोड़ देनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैंने बताया कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी जॉब की ऑफर आई है, तो मैंने वो कंटिन्यू कर देनी है। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में अगले हफ्ते से मेरी वो ज्वाइनिंग है, फिर उसी में बिजी हो जाना है, वो वाली जॉब और स्टडीज। तेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे ना इंग्लिश में? या तो या बोला है तो या से ही पता लग गया, देख लो भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऑलरेडी आपको सिटी का टाउन का सॉरी टाउन कहते हैं,
टाउन का भी टूर करवा दिया है और यूनिवर्सिटी का हमने कोशिश की थी पर यूनिवर्सिटी क्लोज थी बिकॉज ऑफ द वीकेंड. पहले तो बिल्कुल ही क्लोज थी, कोरोना का चक्कर चल रहा था, बूस्टर में भी ऐसा ही था, सभी यूनिवर्सिटीज बंद थी यहाँ पर. अब धीरे धीरे ओपन हो चुकी हैं, क्लासेस का भी ऑलरेडी बता दिया है. तो अभी हमने स्टूडेंट को भी ड्रॉप करना है जॉब के लिए, तो उसके आगे हमने दूसरी सिटी में जाना है. वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसी वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ. तो ठीक है आरती, आप कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? आपकी आवाज़ सब सुन लेंगे, आप कुछ भी बोलोगे तो. आई विश एवरीबडी बेस्ट ऑफ लक. जो भी स्टूडेंट सेप्टेम्बर टेक में आ रहा है, अपनी पूरी पूरी फुल एफर्ट्स करें और ज्यादा एज मच एज दे कैन दे हैव टू लर्न द स्किल्स, अपना टाइम यूटिलाइज करें अच्छे से. बिल्कुल, थैंक यू सो मच आरती, आप काफी आपने बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर की है स्टूडेंट के लिए. तो स्टूडेंट देखते हैं मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पता कोई भी नहीं होता किसी का, है ना. तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिलती कि हाँ वहाँ पर स्टूडेंट है कोई, ऐसे ही था. तो ठीक है फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें. टेक केयर, बाय बाय.